हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो मुझे भी पता है वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, पर क्या करूं गाइस, बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं। मतलब डेली रूटीन के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारा नॉर्मल वाला माइनक्राफ्ट होता है बहुत ज्यादा बोरिंग सा होता है। मतलब काफी ज्यादा बोरिंग होता है, बस वही सिंपल टास्क करो एंड काफी ज्यादा बेकार से ग्राफिक्स के साथ। तो इसलिए हम लोग कुछ एडवांस एंड फीचर्स का यूज करते हैं, जिससे हमारा गेम बहुत ही ज्यादा ऑसम बन जाए। काफी सारे मैंने एडवांस बता रखे हैं बहुत सारे, मतलब गेम्स को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन मैं आज लेगा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वाला एडवांस, जिससे कि आप लोग इजीली मतलब अपने माइनक्राफ्ट को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हो। क्योंकि इसमें आरजीबी से लाइटिंग मिल जाती है, मतलब आपको ऑटोमेटिकली जो आरजीबी से लाइटिंग होती है ऑटोमेटिक मिल जाती है और कंटिन्यूसली चलती भी रहती है। मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा गेम ऑसम लगने वाला है। तो बेसिकली गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इस आरजीबी एक्सपी बार के बारे में, साथ ही आपको बताऊंगा इस आरजीबी जीयूआई के बारे में। आपका यूआई बिल्कुल आरजीबी टाइप का होने वाला है, साथ ही आपका जो एक्सपी बार होगा वो भी आपका आरजीबी वाला होने वाला है। मतलब आपको जो ऑटोमेटिक जो गाइस आरजीबी वाली लाइटिंग चलती रहती है वो आपके गेम में आने वाली है, जिससे कि आपका गेम और भी ज्यादा ऑसम लगने वाला है। साथ ही आप लोग इजीली गेम खेल भी सकते हो जैसे नॉर्मल टाइप के खेलते हैं। तो ये एडोन आपका क्या करते हैं, आपको जो एक्सपी बार होता है उसको आरजीबी में कन्वर्ट कर देता है। साथ साथ जो आपका यूआई होता है उसको भी कन्वर्ट करते हैं आरजीबी के अंदर। बेसिकली जो आपका जो आरजीबी वाला जो चीजें होती है साइड में से लाइंस होती है वो आरजीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आरजीबी यूआई एंड आरजीबी एक्सपी बार को कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड साथ साथ उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो वो आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं है, फटाफट से लाइक कर दो। साथ साथ चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, भूल के सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल का ऑन करना मत भूलना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को इनसे पहले आपको पता होगा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंडे चले हैं, ठंडे के अंदर जो स्किन है बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ड्राई के लिए हम लोग काफी सारी चीजें अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं, फेस वॉश हो गए एंड कभी कभी सोप से भी धोते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड कहीं ना कहीं इसकी ग्लो उसका ग्लो बिल्कुल चला जाता है। तो इसलिए मैं लेके आपको लेके नेमली नेचुरल मॉइस्चर बूस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड ये बेसिकली 2% ऑफ हाइलुरिक एसिड से बना हुआ है, प्लस इसके अंदर डीप एथेनॉल भी पड़ा हुआ है। सो बेसिकली आपको रेडिएशन से बचाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, साथ साथ आपको स्किन को रिस्टोर भी करता है एंड हाँ गाइस आपके रिंकल को भी कंट्रोल करता है। एंड गाइस इसको लगाना भी बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको 2-3 बूंद लेना है एंड आपको फेस पे लगाना होगा एंड आपको बस थोड़ी देर के लिए इसको रखना है एंड सिंपली आपको वॉश करना पड़ेगा। एंड गाइस आपको पूरी ड्राई स्किन पे यूज नहीं करना है, मतलब आपको ड्राई स्किन नहीं होना चाहिए एंड आपको ऑयली थोड़ा सा मतलब होना चाहिए स्किन, जिसकी कि आपका ऑयली बिल्कुल मतलब एकदम से बैलेंस टाइप का हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा एंड आपका स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगा। तो वैसे इसका प्राइस है 499, अगर आप अभी जाके बाय करते हो आपको मिलेगा 349 रुपीस के अंदर ओनली, इसके अंदर ऑफर चल रहा है। तो फटाफट जाकर बाय कर लो, लेकिन मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे रखी है, फटाफट जाकर बाय कर सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एडोन दिखाता हूँ, लास्ट तक उसे डाउन कर सकते हो। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने वर्ल्ड में आ चुका है, मेरे पास काफी सारी एक्सपी है जो कि मैंने क्रिएटिव से लिए गाइस, मतलब बोलना मत गाइस मैं क्रिएटिव या सर्वाइवल से लिए हैं, मैं आपको पहली बार दे रहा हूं मैं क्रिएटिव से लिए हैं एंड आप देख सकते हो काफी ज्यादा मतलब ऑसम लग रहा है मुझे। आरजीबी जो एक्सपी बार है गाइस मतलब ऑटोमेटिकली ग्लो कर रहा है एंड मतलब आराम से मतलब बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है एंड काफी ज्यादा लैग भी नहीं कर रहा है मेरा, बहुत बिल्कुल सा लैग पता भी नहीं चले, लैग भी नहीं करेगा नहीं एंड आप देख सकते हो काफी हर जगह आरजीबी लग रहा है मुझे एंड ओपी बहुत ज्यादा ओपी सा लग रहा है एंड आप देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा ऑसम है एंड हर चीज में आरजीबी है, मतलब हर चीज भी आरजीबी गाइस। आप देख सकते हो मैं क्राफ्टिंग कर रहा हूं कुछ भी उसमें भी आरजीबी गाइस एंड कुछ भी रेसिपी लगाता हूं उसमें भी रेसिपी बनाता हूं उसमें भी गाइस आरजीबी है एंड गाइस यहां पे जो नीचे जो बार है गाइस उसमें देखते हो आप लोग उसमें भी आरजीबी है, मतलब हर जगह गाइस आरजीबी है एंड मेरा गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है, मतलब तो लैग भी नहीं कर रहा है एंड एक्सपी भी भाई आरजीबी में है मेरी, कोई फेक आरजीबी नहीं है, मतलब बहुत ही तो ओपी सी आरजीबी है एंड आप देखते हो मैं अभी एलाइट्रा पहना हुआ है, ऐसे कोई फेक आरजीबी नहीं है, आप देखते हो हर जगह आरजीबी दिखेगी आप लोगों को, मतलब आप लोग रेसिपी करोगे कुछ भी मतलब आपको रेसिपी लगाओगे या कुछ भी पहनोगे मतलब आपको कोई भी पहनोगे एक्सपी मिलने वाली है आपको, सब में आरजीबी मिलने वाली है। आप लोग क्राफ्टिंग करोगे एन्चेंटिंग करोगे सब में आरजीबी मिलने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूं आप लोग देखते हो मैं आरबार पहनूंगा बहुत ही ओपी तरीके से आरबार पहनना है, आप लोग देखते हो आरजीबी बिल्कुल भी कोई फेक नहीं है एंड मतलब आरजीबी इतने ज्यादा लाइट है गाइस और लैग भी नहीं कर रहा है, तो सभी आप देखते हो मतलब मेरा रैम भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो आपको एडन तो मैंने दिखा दिए, आपको बता दूंगा आप लोग डाउन कर सकते हो, सिंपली आपको कमेंट में दोनों की लिंक मिलेगी, आपको एक्सपी बार की लिंक मिलेगी, आपको यूआई के बारे में लिंक मिलने वाली है, मतलब आपको जो आरजीबी यूआई अलग है गाइस एंड एक्सपी बार भी अलग अलग है गाइस, दोनों का अलग मेरे को लिंक मिलेगी, वहां से प्लीज डाउनलोड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है आप लोगों को एमसीबी पैक होगा आपको जिप में कन्वर्ट कर लेना है एंड सिंपली आपको जो उसकी फाइल होगी इसको कॉपी करना है जो आपको जिप में कन्वर्ट होगी एंड आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड सिंपली आपको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा गेम फोल्डर एंड उसमें आपको मिल जाएगा आपको मोजेंग का एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको वहाँ पे दिखेगा बीवर पैक की फाइल मिलेगी, आपको क्लिक करना है आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है एंड फिर आपको गेम खोलना है, अपना गेम में जाने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा एंड सेटिंग जाने का आपको मिलेगा ग्लोबल रूट का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको दोनों को दोनों पैक मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे क्लिक करना है उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड सिंपली आपको दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा उन पैक की अंदर ही, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपको अपने हिसाब से आपको सेटअप कर लेना है बिकॉज आपको मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता आप लोग से चेंज करूँ क्योंकि आपका डिवाइस बहुत ज्यादा लैग करेगा एंड हाँ गाइस आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस सब लोग मेरे वीडियो को देखा करो गाइस, मतलब पूरा देखा करो एंड प्लीज मतलब शेयर करा करो थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो गाइस क्योंकि बहुत ज्यादा समय जरूरत है हम लोगों को।
कुछ आज के बस इतने काफी हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय।